अडानी ग्रुप और गौतम अडानी की मुसीबतें अब कम होने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला ग्रुप से जुड़ी ऑडिट फर्म का है, जिस पर सरकारी एजेंसी ने अपना शिकंजा कस दिया। ये फर्म गौतम अडानी की 5 कंपनियों को ऑडिट करती है। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी यानी NFRA ने SR बार्टलेबोई के खिलाफ जांच शुरू कर दी। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया, NFRA ने ऑडिट कंपनी से अडानी ग्रुप की कुछ कंपनियों के ऑडिट से जुड़ी फाइलों की डिमांड की। एजेंसी ने ऑडिट कंपनियों से साल 2014 से अब तक की सभी ऑडिट फाइलों को देने के लिए कहा। अब इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि एजेंसी की जांच कब खत्म होगी और इस जांच की जद में कौन कौन आएगा। दूसरी ओर इस मामले में अभी तक किसी का भी आधिकारिक बयान नहीं आया। ऑडिट कंपनी SR बार्टलेबोई अडानी ग्रुप की 5 लिस्टेड कंपनियों का ऑडिट करती है। खास बात यह है कि ग्रुप का 50% से ज्यादा रेवेन्यू इन्हीं 5 कंपनियों में से है। जनवरी के आखिरी हफ्ते में हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट पेश की थी और इस रिपोर्ट में ग्रुप की अकाउंटिंग पर गंभीर सवाल उठाए गए। यहां तक कि रिपोर्ट में दुनिया का सबसे बड़ा अकाउंटिंग फ्रॉड करार दिया गया, जिसके बाद अडानी ग्रुप ने इन तमाम आरोपों का खंडन किया। बाद में मामला कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को हिंडनबर्ग के आरोपों की जांच करने को कहा। ऑडिट फर्म SR बार्टलेबोई अडानी पावर, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी विल्मर और SCC तथा अंबुजा सीमेंट्स के साथ काम का ऑडिट करती है। इससे पहले इस फर्म ने 10 साल तक अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन को भी ऑडिटिंग की। लॉ के मुताबिक विदेशी अकाउंटिंग फर्म देश में ऑडिटर के रूप में रजिस्टर्ड नहीं हो सकती और यही वजह है कि फॉरेन कंपनीज भारत में इंडिपेंडेंटली काम करने वाली कंपनियों के थ्रू काम करती है। ऑडिट फर्म SR बार्टलेबोई EY की मेंबर फर्म है। जनवरी में आई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया था कि अडानी ग्रुप ने दुनिया का सबसे बड़ा अकाउंटिंग फ्रॉड किया। रिपोर्ट में अकाउंटिंग और ऑडिट दोनों पर सवाल उठाए गए, जिसके बाद ग्रुप कंपनियों के शेयरों में गिरावट आई। ग्रुप का मार्केट कैप $150 अरब कम हो गया। अडानी ग्रुप ने इन तमाम आरोपों का खंडन किया और कहा उनकी कंपनियों को ऑडिट सर्टिफाइड और क्वालिफाइड प्रोफेशनल करते हैं। मई के महीने में अडानी टोटल गैस ने शाह धंधारिया एंड कंपनी की जगह वॉलकर चंडियोक एंड कंपनी को ऑडिटर फाइनल किया। मई महीने में डेलॉयट हेस्किंस ने अडानी पोर्ट्स के लेन देन पर सवाल किया और अगस्त में रिजाइन कर दिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें